बलवंत हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वालों को नमस्कार। एक्चुअली मैं ये जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, लोग एक वीडियो डाला था सबसे बड़ा फकीर पीछे, यानी कि पक्षियों के लिए था। तो मैं बोलना जो चाह रहा है ये है कि देखो, तो आप जिधर तक भी नज़र आ रहे हैं पूरा बर्फ़ ही बर्फ नज़र आ रहा है। ये देखो, ये भी है मेरे पूरा, यानी कि कितना होगा, कल जो पड़ा था रात को ये आधा मीटर के आसपास था। तो मैं शाम को आने के टाइम जब आया यहाँ कनाडा में, टोरंटो में, मिसिसागा में एक वुडरूफ मॉल है, सॉरी वेस्टवुड मॉल है, फ्रेस्को मार्केट है, तो सनो पड़ रहा है उस टाइम भी पूरा कबूतर किमसे कितना होगा, याद नहीं, 500-600 कबूतर होगा। तो पूरा वायर के ऊपर बैठा है, बिल्डिंग के पास में बैठा है, बर्फ़ में ही बैठा है। चलो हम लोग तो मोटा कपड़ा भी डाल लेते हैं, सर्वाइवल कर रहे हैं जैसा कैसा भी। बसों में भी हीटर लगा हुआ है, गाड़ियों में हीटर है, रूम में हीटर है, क्या क्या हुआ। बर्फ से क्या बना दिया था? तो वही है, इनका क्या हुआ, सोचने वाली बात है। इनके पास कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर भी इतनी ठंडी में कैसा अपने आप को सेव कर रहे हैं। तो इसलिए बोला था सबसे बड़ा फकीर तो यही है, इनको खाने का कुछ नहीं है, रहने का कुछ नहीं है, कुछ दिया उसका वाला नहीं दिया उसका ही वाला। तो ऐसी जगह पे हेल्प करना चाहिए हम लोग, इतना कुछ दाना है या जो भी मतलब है तो डालना चाहिए। मैं भी अभी पीछे डाल के आया था, और आज मैं पाले जी ये कुछ बिस्किट था मेरे पास मार्केट से आया था, मैं और मेरा लड़का, तो उस टाइम मैं डाला था, पूरा मेरे ऊपर से आकर के बैठ गया। मैं थंबनेल उसमें भी डाल रहा हूँ उसको। वो डरते नहीं हैं, उनको भूख का डर है खाली, कुछ मिलेगा, कुछ लेके आया, कुछ देगा खाने के लिए। और शाम को बेचारों का कहाँ आसरा होगा, कहाँ बैठेंगे ये नहीं पता। अभी खा लिया, कल का उनको कोई टेंशन नहीं है, किधर से खाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो इतनी टेम्परेचर कितना था मेरे ख्याल से 18-19 माइनस था सेल्सियस, उसमें भी कैसे सर्वाइवल कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी पक्षी आपको कहीं भी नज़र आ जाता है, इनके लिए जितना भी अरेंजमेंट कर सकते हैं गर्मी में पानी का खाने का था ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मैं तो लॉकडाउन से स्टार्ट किया था, गुड़गांव में भी स्टार्ट किया था, हम लोग दुबई थे पहले, उधर भी डालते थे हम लोग, इधर कनाडा में भी एक जगह मिला जिधर मिल जाते हैं डाल देता हूँ। आप लोग भी ऐसा ज़रूर डालना चाहिए, इसमें कुछ पब्लिसिटी करने का ज़रूरत नहीं इनको, इनको तो बेचारों को कुछ भी मांगता तो इतना तो देना चाहिए, सबसे बड़ा फकीर वही है। ओके जी, थैंक यू, शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक नहीं किया तो बलवंत हरियाणा 4189, ताकि कोई भी अपडेट है आपको मिल जाए। और कोई कनाडा के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप इसको कमेंट करें, मैं उसके बारे में। अगर कोई लीगल जानकारी चाहिए आपको वीज़ा के बारे में या कोई भी, तो जब मैं लाए रहे इधर उनसे मतलब क्वारी करके, पूछ करके, क्यूरी करके उसको अपडेट करेगा। ओके जी, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। तो फिर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहे हैं रिस्पेक्टेड पर्सन जितने भी हैं, चाहे वो पंजाब से, हरियाणा से है, मतलब इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से, बांग्लादेश, UAE और USA, क्योंकि मेरा चैनल से नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, USA, कनाडा, कनेडियंस और UAE मतलब काफ़ी जुड़े हुए हैं, मैं देखा इसमें,
भले ही सब्सक्राइबर कम है, लाइक करते हैं, जो व्यू करते हैं, तो मैं देखता हूँ उधर से तो काफ़ी कुछ रेटिंग में ऐसा ही आता है इनका, यूएसए से भी है। इसलिए फिर से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, और स्पेशली ऐसे पक्षियों का, लाचार लोगों का, बेचारा लोगों का, जिसको ज़रूरत है एक्चुअली में रियली में, उनका ज़रूर से ज़रूर हेल्प करें। ओके जी, थैंक यू, शुक्रिया। ये है कनाडा का माल्टन और टैको वेस्टवुड मॉल। ये देखो भाई, सामने डॉलरमा कोशियो बैंक, ये वालमार्ट था, ये अभी बंद है। और एक खास चीज़ दिखाने के लिए मैं वीडियो बना रखा, जो यूट्यूब चैनल है बलवंत हरियाणा, देखने वाले सभी को नमस्कार, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। मैं दिखा रहा था कबूतर, देखो, क्योंकि मैं जब मैं इंडिया में था गुड़गांव में, वहाँ छत पर बहुत सा दाना डालता था। अभी ये मेरे पीछे पीछे इधर आ रहे हैं, डरते नहीं है, देखो ये देखो ना, अरे यार ये तो मेरे ऊपर आ गए बिल्कुल। ये देखो पूरे, मैं बीच में खड़ा हूँ अभी, देखो अगर आप देखें, ये देखो पूरा बीच में खड़ा हूँ, बिल्कुल बीच में हूँ मैं अभी, बिल्कुल नहीं डरते। ये अभी कुछ लेने के लिए, लेकिन मैं गया था मार्केट में कुछ लेने के लिए, कुछ डालूँ इनको, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि वो बंद है, मार्केट खुली नहीं अभी तक। अंदर मार्केट में गया था, ये बेचारे कुछ आइए, ये देखो ये मेरा अभी कुत्ता आता हूँ, ये बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ मैं अभी, डरते नहीं। हाँ एक खास, मैं दुबई में था पहले, मैं मेरा वाइफ, हम लोग चोरी चोरी दाना डालते थे, क्योंकि उधर एनफोर्समेंट है जो पेनल्टी मारती कि फूड पॉइजनिंग का थोड़ा सा रहता था इशू। और जो हमारा हिंदू मंदिर था उधर, उधर वो लोग उसके लिए परमिशन देता था अलग से उड़ाने के लिए, लेकिन अभी इधर क्या है मालूम नहीं। ये देखो भाई पूरा, हम लोग उधर बहुत, मैं हम चोरी छुप के ऐसा समुद्र के आसपास जा कर के डालते थे, मेरा वाइफ और हम लोग लेके जाता था, कभी ब्रेड का पीस ऐसा कुछ और बिस्किट्स वगैरह खाने के लिए। और इंडिया में तो मैं जिधर भी रहता था, गुड़गांव में जॉब करता था, उधर तो मैं छत के ऊपर बाजरा गेहूँ ऐसा मिक्स करके मैं डेली डालता था, क्योंकि लॉकडाउन से मैं शुरू किया था ये। लॉकडाउन में चलो हम तो अपना गुजारा कर रहे हैं, ये लोग किधर से, इंसान बाहर नहीं निकल सकता कुछ डालने के लिए, ये लोग किधर से क्या खाएंगे, उस टाइम स्टार्ट किया था। तो ये देखो बिल्कुल पास में, ये डरते नहीं है, ये भागते भी नहीं है, मेरे बिल्कुल बीच में हूँ मैं अभी, ये देखो। तो मैसेज यही है इनका, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे जो पक्षी हैं, कोई भी है, लाचार है, इंसान है, उसके हेल्प करें प्लीज़। क्योंकि देखो जो बेगस हैं, भिखारी है, वो पैसा मांग लेते हैं, जुबान है, ये तो बेजुबान है बेचारे, अपनी जुबान समझते नहीं हैं, ये अपनी समझा भी नहीं सकते हैं। तो मेरा मतलब यही था, क्या ऐसे पक्षी, जहाँ भी पक्षी आपको, इंसान इसकी ज़रूरत है हेल्प हमें करनी चाहिए, करनी चाहिए। क्योंकि जैसे लॉकडाउन में मैं लेके आता था महीना में 4-5 किलो मतलब ऐसा बाजरा मिक्स गेहूँ वगैरह चक्की से, उनको डेली डालता था उनकी हेल्प के लिए। तो आप भी प्लीज़ हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा, स्पेशल पक्षियों की और उनकी बेसहारा लोगों की। पक्षियों की तो स्पेशल जानवर हैं, पक्षियों को बोल नहीं सकते बेचारे, मांग नहीं सकते हमें, दिया तो ठीक है खा लिया, नहीं तो नहीं। और ये आए थे मार्केट, खुला नहीं था मेरे पास, कुछ था नहीं डालने के लिए, इसलिए मैं कुछ डाल नहीं सकता। मेरे को भी अफसोस है, मार्केट खुलेगा तो फिर लेके आएंगे, डालेंगे इनको। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, थैंक यू, शुक्रिया।